और आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक, चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार चुनावी बैठकों का दौर अब शुरू हो चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नज़दीक है। ऐसे में लगातार अब बैठकों का दौर और दौरे का जो दौर है वो शुरू हो गया है। तो लखनऊ में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है, चुनाव की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी, जिसमें आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बैठक है बेहद अहम मानी जा रही, चुनाव की रणनीति जो है उस पर चर्चा आज इस बैठक में होगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई अहम दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को इस दौरान दिए जा सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। फिलहाल चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि किस तरह से बीजेपी पूरा दमखम इस चुनावी मैदान में दिखाए, और इसके साथ ही तमाम अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं लखनऊ से, जहाँ पर आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। और आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। प्रदीप, जिस तरह से ये बैठक होनी है कोर ग्रुप की, और बेहद अहम भी है क्योंकि चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा होनी है, तो जाहिर तौर पर इसकी अहमियत काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन कौन कौन से लोग इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और ये बैठक कहाँ होगी? देखिए, बात करें तो ये जो बैठक है ये शाम भारतीय जनता पार्टी की जो मुख्य प्रादेशिक कार्यालय वहां पर होगी। सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा जो मंडल अध्यक्ष है वो वर्चुअल जुड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, पूरी तरह से जो उसके विकास उसके द्वारा कराए गए विकास कार्य है उनके बदौलत उत्तर प्रदेश जीतना चाहती है। और उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति की जरूरत इस समय वर्तमान में है, जिसको देखते हुए बैठक आहूत की गई है। कहीं ना कहीं से अनुभवी जो भी नेता है, अनुभवी हैं जो, और विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अग्रेसिव है, तो ऐसी स्थिति में यह बैठक शाम को बुलाई गई है। प्रदीप, देखिए, क्या चुनावी रणनीति को लेकर जिस तरह से बैठक होनी है, तो इसमें ये मुद्दा भी अहम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कल यूपी टेट का एग्जाम रद्द किया गया उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर भी बातचीत हो सकती है इस बैठक में? बिल्कुल बातचीत हो सकती है, जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। अभी जो चीजें बहुत ऐसी चीजें हैं जो हाथ में हैं, अगर समय रहते उस पर मनन किया जाए तो निश्चित रूप से उन जिनको भी हम एक्वायर कर सकते हैं, तो इस पूरे मसले पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन जो एक बेस है, जो एक एम है, वो यही है कि उत्तर प्रदेश के हर एक विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जीतना चाहती है। और उस जीतने के क्रम में जो पहली रणनीति उत्तर प्रदेश की, एक तरह से आधिकारिक पहली बैठक आज जो है होने जा रही है। अब बैठक होने के बाद ही ये पता लग पाएगा कि बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है। ठीक है प्रदीप, इस बैठक में कुल कितने लोग शामिल होने वाले हैं, और क्या कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल होंगे या सिर्फ नेताओं की बैठक है? देखिए, मूल रूप से जो प्रमुख नेता हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, उनकी बैठक है, उनके बीच में ये संवाद है। ऐसी सूचना मिली है कि कुछ मंडल अध्यक्ष भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ मंडल अध्यक्षों को भी वर्चुअल जोड़ा जाएगा, लेकिन सिर्फ ये सूचना आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो मीटिंग है, आज की बैठक है, इसमें उपस्थिति सुनील बंसल जो कि उत्तर प्रदेश संगठन से हैं, स्वतंत्र देव सिंह, इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी और जो अन्य भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी अपने आप में बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शाम तक का इंतजार करना है दर्शकों को कि शाम को इस मीटिंग के बाद ठीक है। प्रदीप, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो लखनऊ में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है, और ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही, चुनावी रणनीति को लेकर ये बैठक होनी है। अब देखना ये होगा क्या कुछ बिंदु होंगे जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बता दें, लखनऊ में शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शताब्दी स्तंभ का अनावरण करेंगे सीएम योगी। वाजिद अली शाह चिड़ियाघर पहुंचेंगे, और 100 साल का हुआ लखनऊ चिड़ियाघर, शाम 4 बजे ये कार्यक्रम होगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं, लखनऊ चिड़ियाघर जहाँ शाम 4 बजे कार्यक्रम है और सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। तो शाम 4 बजे का कार्यक्रम है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और शताब्दी स्तंभ का अनावरण किया जाएगा सीएम योगी के द्वारा।
और इसके साथ ही वाजिद अली शाह चिड़ियाघर पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 100 साल का लखनऊ चिड़ियाघर हुआ है जिसके बाद से कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। और ये बड़ी जानकारी लखनऊ से, शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, शताब्दी स्तंभ का अनावरण होगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि वाजिद अली शाह चिड़ियाघर पहुंचेंगे सीएम योगी, जहां शाम 4 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। 100 साल का लखनऊ चिड़ियाघर हुआ जिसके वजह से ये कार्यक्रम रखा गया है। लगातार तमाम जानकारी के साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, लखनऊ में शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और शाम 4 बजे का ये कार्यक्रम है, क्या कुछ और जानकारियां हैं आपके पास, क्या कुछ भव्यता होने वाली है? यदि अगर हम बात करें आज की इस कार्यक्रम की, 4 बजे का कार्यक्रम बारादरी लान में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के संदर्भ में रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस अवसर पर एक शताब्दी स्तंभ का अनावरण भी होना है और एक डाक टिकट एवं शताब्दी स्मारिका का विमोचन भी होना है। इसके अलावा वन जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान भी सीएम योगी करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार वितरित करेंगे सीएम योगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ की पहचान नवाब वाजिद अली शाह से थी और अगर हम बात करें प्राणी उद्यान भी उसके बाद एक दूसरी पहचान बनी, क्योंकि इको फ्रेंडली जो प्राणी उद्यान है वो इको फ्रेंडली और उत्तर प्रदेश का पहला इको फ्रेंडली चिड़ियाघर था। तो कहीं ना कहीं उसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारी ऐतिहासिक धरोहर रही है और ऐतिहासिक धरोहर को कल्चर से जोड़ते हुए निश्चित रूप से सीएम योगी का यह बड़ा और भव्य कार्यक्रम है। 4 बजे शाम को बारादरी लान में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के संदर्भ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीप्ति, प्रदीप, इस कार्यक्रम को किस तरह से खास बनाने की कोशिश होगी, किस तरह से जोर होगा? देखिए, अगर हम इस प्रोग्राम को खास बनाने की बात करें तो निश्चित रूप से जो अपने आप में शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आज एक स्तंभ का अनावरण किया जा रहा है, एक डाक टिकट और एक शताब्दी स्मारिका जिसको लोग पढ़ सकेंगे कि इन 100 वर्षों में लखनऊ के चिड़ियाघर ने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं और किस किस हालात से गुजरे हैं। तो इसको भव्य बनाने के लिए अगर हम बात करें तो शताब्दी स्तंभ का अनावरण अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। डाक टिकट पहला ऐसा कोई समय जब प्राणी उद्यान के नाम पर डाक टिकट जारी हो रहा हो। और इसके अलावा जो वन्य जीवन को सुरक्षित रखने वाले व्यक्ति हैं समाज में, जो जीवों पर दया करने का हमेशा संदेश देते हैं, जीवों के लिए कुछ काम करते हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। और जो देश के भविष्य जो कुछ छात्र छात्रा जिन्होंने वन्य क्षेत्र में काफी अच्छे काम किए हैं। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तो शाम 4 बजे कार्यक्रम होना है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।